हम लोग ठीक ठाक खैरियत से। अच्छा, मैं आज आप लोगों को एक टोटका है जो मुझे पता चला था, जब बेसिकली 8-10 साल या 15 साल पुरानी बात होगी। बेसिकली होता ये था कि मेरे होठों के ऊपर जो है वो अक्सर बहुत ज़्यादा दाने निकल आए जाते थे। वो पत्नी क्या बीमारी थी मुझे खुद भी नहीं पता था उसके बारे में। तो वो अक्सर जो है मेरे सर्दियों में बहुत ज़्यादा हुआ कर होते थे। तो बहुत सारी दवाइयाँ मैंने यूज़ करी, बहुत सारी दवाइयाँ लगाई भी, ट्यूब वगैरह, जब अच्छे अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई फ़र्क तो पड़ता था, लेकिन कुछ टाइम के लिए पड़ता था, फिर दोबारा से जो है ना वो चीज़ दोबारा होती थी। तो फिर मेरे नाना ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि तुम जो है ना ये इस्तेमाल करके देखो, उससे तुम्हें जो है ना फ़ायदा होगा। वो मैं चीज़ आपको बताता हूँ। वो चीज़ ये है, वो चीज़ देखें, जैसे ये नीम का पेड़ है ना, तो ये नीम के पेड़ की जो बिल्कुल जो नई कोपले होती हैं बेसिकली, वो आपने लेके वो आपने निहार मुँह जो है वो चबानी है, ठीक है। एक तो ये काम करना है, ठीक है, और दूसरा ये इसकी जो नीम के पेड़ की जो छाल होती है उसको आपने लेके थोड़ा सा किसी चीज़ के ऊपर घिस के वो आपने अपने होठों पे या जहाँ पर भी दाग है या दाने हैं वहाँ पर आप लगाएं। तो वो मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा ट्राई किया था, ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद फिर मेरे कभी भी नहीं हुए। तो मैं ऊपर आया हुआ था तो मैंने कहा मेरे दिमाग में मेरी शुरुआई कि आप लोगों से शेयर कर लो, तो मैंने ये शेयर किया। तो ये आप लोग भी इस्तेमाल करें और लोगों के साथ भी शेयर करें। और ये नीम का बहुत ज़्यादा जो है ना अफादियत है, और मैंने तो एक जगह पढ़ा था कि अगर किसी को पता चल जाए कि नीम के अंदर कितनी अफादियत है तो लोग अपना सोना बेच के जो है ना नीम के दर लगाने लग जाए। तो बहर ये तो एक कहावत है, लेकिन नीम के अंदर तो जारी बात है जहर के अलावा हर कड़वी चीज़ में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। तो आप लोग ये बिल्कुल ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। बाकी थोड़ी सी रिसर्च भी करिएगा कि नीम के अंदर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिससे जो है ये चीज़ें जो है वो बीमारियां दूर होती हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।